हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2018 रिलीज्ड एक रियल स्टोरी बेस्ड गॉथिक हॉरर थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है मिरर मिरर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सीन के साथ। हम एक यंग लड़की को देखते हैं पेट के बल लेटे हुए, वो भी एक टेबल के ऊपर। उसके पैर अजीब तरह से कांप रहे थे, साथ में किसी के दर्द में तड़पने की आवाज़ भी आ रही थी हमें, लेकिन वो आवाज मफल्ड थी, as if कोई मुंह बंद करके रो रहा हो। अगले सीन में हमें इसके सोर्स का भी पता लग जाता है, जहां हम रूबरू होते हैं एक भयानक नजारे से, एक ऐसा नजारा जिससे किसी की भी रूह कांप उठेगी। हम देखते हैं उस लड़की के पूरे शरीर पर बहुत सारे गहरे घाव हैं, वो भी रिसेंट ओपन वुंड्स। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से किसी नुकीले चीज से उसे मारा हो, इवन उसके चेहरे को भी नहीं छोड़ा। वहां कोई और भी थे जो उसके घाव को सिल रहे थे। हमें दो और लेडीज की आवाज आती है, मगर दूसरे ही पल हमें एहसास हो जाता है वो एक्चुअली इस लड़की का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, बल्कि ट्रीटमेंट के नाम पे उसे और दर्द दे रहे थे, क्योंकि उनमें से घाव को सिल रहे थे तो दूसरा उसे काट रहे थे। बार 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 एक ही जगह नेटल को पोक कर रहे थे वो। इससे बेचारी लड़की की तो हालत ही खराब हो चुकी थी, दर्द में रोना भी भूल चुकी थी वो, और रोएगी भी तो कैसे, उसके होंठ भी तो सिले हुए थे, किसी ने उसका मुंह भी बंद कर दिया था ताकि वो चीख ना पाए, इसीलिए ही तो उसकी आवाज मफल्ड सुनाई दे रही थी। लेकिन आखिर इस ब्रुटैलिटी का मतलब क्या था, कौन कर रहा था ये सब और क्यों? इन सारे सवालों का जवाब छुपा था हंगेरी के शैटाक कैसल में। साल था 1609 और तब वहां पर काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी का राज चल रहा था। एक दिन उस कासल में एंट्री होती है एक नई लड़की, लेडी मार्गीट की, जिसे एलिजाबेथ ने खुद चूज किया था एज हर लेडी इन वेटिंग। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर। मार्गेट खुद भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उनका रैंक एलिजाबेथ से काफी नीचे था और वो लोग काफी गरीब भी थे, तो ऐसे में ये ऑफर तो उसके लिए सपने जैसा था। एलिजाबेथ की फेवरेट मेट ईवा ने खुद जाकर उसके पेरेंट्स को ये ऑफर दिया था, तो उन लोगों ने भी ज्यादा देर ना करते हुए उसे भेज दिया, इस उम्मीद में कि उनके बेटे की जिंदगी सुधर जाएगी। काउंटेस एलिजाबेथ के जरिए वो जरूर अपने लिए कोई परफेक्ट हस्बैंड ढूंढ लेगी और साथ ही साथ शायद अपने परिवार की हालत भी सुधार पाएगी। खुद मार्गेट एग्जैक्टली क्या सोचकर यहाँ आई थी वो तो हम नहीं जानते, लेकिन उसे देखकर ईवा और काउंटेस दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। एलिजाबेथ तो खुद नीचे आ जाती है उसे वेलकम करने। उनके बर्ताव में इतना अपनापन था और वो इतने प्यार से मार्गेट को ग्रीट कर रहे थे कि मार्गेट और किसी तरफ देखती ही नहीं, वो नोटिस नहीं करती। उसके आसपास सब कुछ कुछ ज्यादा ही अबनॉर्मल है, कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। इतने बड़े कासल में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद कहीं कोई आवाज नहीं हो रही थी, सभी चुपचाप बस अपना काम करते जा रहे थे, ना कोई बात कर रहे थे ना हंस रहे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इनफैक्ट जब मार्गेट और ईवा कैसल के अंदर जा रहे थे तो उनके सामने ही एक मेड चलते चलते अचानक गिर जाती है। बहुत घबराई हुई लग रही थी वो, पता नहीं किस बात का डर सता रहा था उसे। और फिर जब उसके हाथ से सारे सामान गिर जाते हैं, जमीन पर बिखर जाते हैं, तो उसे देखकर तो ईवा के चेहरे का रंग भी उतर जाता है। वो खुद ही उन्हें समेटने लग जाती है और इस चक्कर में उसका हाथ भी कट जाता है। पता नहीं दोनों इतना डर क्यों रहे थे, मे बी काउंटेस का आने का समय हो चुका था, मगर उसमें भी इतना डरने वाली बात तो नहीं थी ना। लेडी मार्गेट को यह सब कुछ भी नजर नहीं आता, वो काउंटेस का हाथ पकड़ती है और सीधे कासल के अंदर घुस जाती है। एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और ओवरवेल्म्ड भी फील कर रही थी। इतने सालों से जिसकी सिर्फ कहानियां सुना करती थी वो, उसके गांव में जिसके खूबसूरती का एग्जाम्पल दिया जाता था, जिसे सारी लड़कियां अपना रोल मॉडल मानती है, आज वही खुद काउंटेस के सामने खड़ी है, उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ काउंटेस खुद भी उसकी कंपनी पाकर बहुत खुश थी, वो उससे अपने लाइफ की कुछ बातें भी शेयर करती है, जिससे हमें पता चलता है ये कासल असल में काउंटेस की वेडिंग गिफ्ट थी उनके हस्बैंड काउंट फेरेंस के तरफ से। जब उनकी शादी हुई थी तब काउंटेस बहुत यंग थी, सिर्फ 11 साल की, बचपन से ही दिखने में बिल्कुल किसी परी की तरह थी वो। और उनके पति फेरेंस हंगेरी के बेस्ट सोल्जर थे, जिसे ब्लैक नाइट का टाइटल भी मिला था, तो उनकी जोड़ी तो मेड इन हेवन था। दोनों ही बहुत खुश थे और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, हर तरफ बस खुशहाली थी उनकी।
लेकिन फिर अचानक ही एक दिन एक बीमारी में जान चली गई फेरेंस की, और उनके साथ साथ काउंटेस की सारी खुशियां भी खत्म हो गई। एक झटके में पूरी लाइफ ही बदल गई उनकी। इस पॉइंट तक बात करते करते काउंटेस काफ़ी इमोशनल हो पड़ी थी, तो एवा कुछ देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ देती है और मार्गरेट को ले जाती है उसके कमरे में डिनर के लिए रेडी करने। इधर मार्गरेट तो इतना एक्साइटेड हो चुकी थी कि काउंटेस की तारीफ करने से थकी नहीं रही थी वो। साथ में एवा के प्रति भी काफ़ी ग्रेटफुल थी वो, आफ्टरऑल उसी के वजह से तो उसे ये मौका मिला है। लेकिन उसके इन बातों से एवा बिल्कुल भी खुश नहीं होती, उल्टा बहुत ही अनकम्फर्टेबल दिखने लगती है वो। बहुत ही अजीब नजरों से घूर रही थी वो मार्गरेट को, और उसकी आंखें वो भी बिल्कुल ब्लैंक थे। मार्गरेट को कोई रिप्लाई दिया बिना ही वहां से निकल जाती है एवा, जो कि काफी रूड था। उसके ऐसे बर्ताव का कारण कुछ समझ नहीं पाती मार्गरेट। क्या वो ऐसे अच्छे बर्ताव से यूज तो नहीं है इसीलिए घबरा गई, या फिर बात कुछ और है? मार्गरेट जब यही सोच रही थी तब उधर एट द सेम टाइम हम एवा को देखते हैं एलिजाबेथ के कमरे में। दोनों मार्गरेट को ही लेकर बात कर रहे थे। अपेरेंटली खुद एलिजाबेथ भी मार्गरेट के खूबसूरती से इंप्रेस्ड हो चुकी थी। उसके यूथफुल अपीयरेंस से उसकी डिवीनिटी झलक रही थी। एक्चुअली काउंटेस का मानना था रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन डिवाइन होती है, आम लोगों के खून से ज्यादा पावरफुल होता है उनका खून। इसीलिए ही तो उन्हें मार्गरेट इतना पसंद आई थी, क्योंकि मार्गरेट खुद भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। हाँ भले ही उनका परिवार इतना वेल नोन नहीं था, बट स्टिल थी तो वो एक रॉयल ब्लड लाइन की ना, बस इतना ही काफी था उनके लिए। लेकिन साथ में एक और चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दे रही थी काउंटेस कि क्या मार्गरेट प्योर है, मतलब वो वर्जिन तो है ना। अब उनके पर्सनल असिस्टेंट प्योर है या नहीं ये जानकर काउंटेस क्या करेगी वो तो हमें नहीं पता। लेकिन जब एवा उन्हें अश्योर करती है कि हाँ उसने सारे रिसर्च करके ही मार्गरेट को फाइनलाइज किया है, इसे सुनकर तो उनकी खुशी दुगनी हो जाती है, और वो खुशी खुशी बैठ जाती है आईने के सामने अपना टचअप करवाने। एवा भी अपने काम पे लग जाती है। एक छोटे से कंटेनर के अंदर से ब्रश से कोई क्रीम या लिक्विड जैसा कुछ निकाल लाती है वो रेड कलर का, और उसी को काउंटेस के गाल पर अप्लाई करने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास होता है वो प्रोडक्ट तो खत्म हो चुका है, ब्रश में और कुछ निकल नहीं रहा था। की बहुत ही नॉर्मल बात थी, मगर फिर भी न जाने क्यों एवा काउंटेस को बताने से घबरा रही थी। और फाइनली जब वो बताती है तब हमें इसका रीजन भी पता लग जाता है। काउंटेस उसे डांटती तो नहीं, बस एक सिंपल रूल की याद दिलाती है कि इस प्रोडक्ट का खत्म हो जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, और इसका सप्लाई बरकरार रखना एवा की ड्यूटी है। अब ये तो खुद एवा को भी पता था, इसीलिए वो काउंटेस को और डिसअपॉइंट ना करते हुए एक बेहद अजीब काम करती है। सुबह उसके उंगली पर जो कट लगी थी उसी को फिर से प्रेस करके वहां से खून निकाल लाती है वो, और वही ऑफर करती है काउंटेस को। इसे काउंटेस हैरान नहीं होती, उल्टा खुश हो जाती है और उसी खून को लगा लेती है अपने होठों पर लिपस्टिक की तरह। मतलब उस कंटेनर के अंदर भी वो रेड लिक्विड खून था, काउंटेस खून से अपना मेकअप कर रही थी। बात बहुत ही अजीब थी, लेकिन दोनों में से किसी को देखकर भी कुछ एबनॉर्मल नहीं लगता, ऐसे दोनों के लिए ही ये बहुत आम बात थी। नेक्स्ट सीन में हम काउंटेस और मार्गरेट को दोनों को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं, और दोनों आपस में कुछ पर्सनल बातें भी शेयर कर रहे थे, जिससे हमें पता चलता है मार्गरेट के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। हालत ऐसी है कि उसके यहाँ पर आने पर कोई उसे मिस करने वाला नहीं है, उल्टा उन्हें तो खुशी होगी उनका एक्सपेंस जो कम हो गया। ऊपर से मार्गरेट को कोई पसंदीदा लड़का भी नहीं मिल रहा था वहाँ। कुछ लड़के थे जिन्होंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन वो नॉर्मल लोग थे। मार्गरेट को कोई रैंक वाला चाहिए था जो किसी नोबल फैमिली से हो, लेकिन उसके फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो भी उसे मिल नहीं रहा था। एंड मेनली इसीलिए ही तो उसने काउंटेस की ऑफर एक्सेप्ट कर ली, ताकि उसका फ्यूचर बदल सके, जो काउंटेस उसे प्रॉमिस भी करती है। साथ ही साथ उसके हेल्थ का भी बहुत ध्यान रख रही थी काउंटेस। हम देखते हैं वो बार बार मार्गरेट को ज़्यादा खाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, उसे फ्रूट एंड हनी ऑफर कर रही थी, जो उसके सेहत के लिए स्पेशली उसके खून के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बेचारी मार्गरेट तो इतना सारा खाना देखकर काफ़ी इमोशनल हो पड़ी थी, उसे अपने घर की याद आ रही थी। लेकिन इसी बीच एक कांड होता है। काउंटेस अपना खाना ख़त्म करने के बाद एक मेड को बुलाती है हनी लाने के लिए। तभी मार्गरेट नोटिस करती है उसके हाथ पर बहुत सारे डीप वुंड्स है। काउंटेस बताती है उसे किचन में काम करते वक्त लग गया था, लेकिन किचन में ऐसा क्या काम होता है जिससे ऐसे चोट आ सकते हैं?
मार्केट समझ नहीं पाते और ना ही कोई और सवाल कर पाती है। इसके बाद काउंटेस उसे अपने डॉग से भी मिलवाती है जो कुछ ज्यादा ही फिरोशस थे। ऐसा लग रहा था कि अगर उन्हें छूट दिया जाए तो वो उन पर भी हमला कर देंगे। क्लियरली सारे मेट्स डर रहे थे उन डॉग से, फिर भी काउंटेस उन्हें फोर्स कर रही थी उन डॉग्स को अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए। मार्केट को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है और तो और उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर उन डॉग्स को जो खाना मिल रहा है वो उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। इनफैक्ट खाने के कमी के वजह से ही तो उसके दो सिस्टर्स को कन्वेंट भेज दिया गया ताकि वहाँ वो किसी तरह खा पी कर जिंदा रह सके। शायद कुछ दिन बाद उसे भी जाना पड़ता, बट थैंकफुली उससे पहले ही उसे यहाँ आने का मौका मिल गया और यहाँ उसे इतना सब कुछ मिल रहा है। लेकिन क्या वो डिजर्व करती है इतना कुछ? एक तरफ उसे खुशी तो हो रही थी तो दूसरी तरफ दुख भी। अपने आने वाले कल से अनजान मार्गेट मन ही मन खुद को बहुत लकी मान रही थी, मगर उसे कोई आइडिया नहीं था ये सब बस एक ट्रैप है जहाँ धीरे धीरे वो फंसती चली जा रही है। जिन्हें वो अपना सेवियर मान रही है वो असल में हंटर्स है, उनके दोस्त नहीं है वो बल्कि उनका शिकार है। और ये जो यहाँ पर उपकार का नाटक चल रहा है वो भी इस खेल का एक पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ मार्गेट का भरोसा जीतने के लिए, ताकि सही समय आने तक उसे कोई शक ना हो और वो खुशी खुशी अपने मर्जी से इस प्रिजन में कैद रहे। होता भी वही, मार्गेट तो धीरे धीरे इस कासल को अपना घर मानने लगी थी और एवा को अपनी दोस्त, लेकिन एवा इस सडन फ्रेंडशिप के लिए तैयार नहीं थी। इनफैक्ट वो तो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी उसके सामने, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उससे बात कैसे करे। एक तो मार्गेट नोबल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद बहुत ही सिंपल थी, उसे बहुत नॉर्मली बिहेव करती थी, कोई घमंड नहीं था उसमें और ना ही वो खुद को स्पेशल मानती थी। इनफैक्ट एक बार तो उसने एवा से यह भी शेयर किया था कि वो अपने घर में किसी नौकर की तरह ही रहती थी, सारा काम उसे ही तो करना पड़ता था, तो वो उससे ऊंचा कैसे हो गई, उनकी दोस्ती क्यों नहीं हो सकती। एवा के पास इसका कोई जवाब नहीं था या फिर था, लेकिन वो मानने से इनकार कर रही थी और उसके हेजिटेशन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अपने गिल्टी फीलिंग्स को चाहकर भी छुपा नहीं पा रही थी वो। इसी बीच एक रात एक और हादसा होता है। मार्गेट जब सोने जा रही थी तो उसे कहीं से किसी के रोने की आवाज आती है। वो एवा से पूछती भी है लेकिन एवा कहती है ये हवा की आवाज है, ये कासल पहाड़ की चोटियों पर है ना, यहाँ पर ऐसी आवाजें गूंजती रहती है। बात शायद सही थी लेकिन फिर भी मार्गेट को तसल्ली नहीं होती, तो एवा के निकल जाते ही वो खुद ही अकेले इन्वेस्टिगेट करने की सोचती है। भले इस कासल के मेज से अभी तक रूबरू नहीं हुई थी वो, फिर भी उस आवाज को फॉलो करके उसके सोर्स तक पहुंचने की कोशिश जरूर करती है वो, पर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा दूर जा नहीं पाती। उससे पहले एक आदमी आकर उसे रोक लेता है। रात के समय दरवाजे के उस पार जाना लाउड जो नहीं था, क्योंकि वहीं तो छुपा था असली राज, काउंटेस एलिजाबेथ की असली सच्चाई। असल में उस दरवाजे के उस पार ही टेरेस में जाने का रास्ता था। अगर मार्गेट वहां पहुंच जाती तो उसे समझ आ जाता वो आवाज हवा की नहीं है, कोई लड़की सच में ही रो रही है। साथ में क्यों रो रही है इसका जवाब भी उसे मिल जाता, लेकिन क्या मार्गेट सहन कर पाती उस सच्चाई को? शायद नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी हो रहा था वो किसी भी आम इंसान के लिए सहन करना इम्पॉसिबल था। वहां हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसे चेन से बांध रखा गया था। वो जमीन पर पड़े हेल्पलेसली चिल्ला रही थी, लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी उसे छोड़ देने के लिए, लेकिन किसी को जैसे उसकी पुकार सुना ही नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद वहां एवा आती है हाथ में हनी का ग्लास लेकर, जिसे वो उस लड़की के ऊपर डाल देती है। और ठीक तभी काउंटेस अपने आदमियों को ऑर्डर देती है उनके डॉग्स को वहां लाने के लिए, जो हनी के स्मेल से ऑलरेडी पागल हो चुके थे। तो जैसे ही उनका लीश छोड़ा जाता है वो डॉग्स उस लड़की पर झपट पड़ते हैं। इसके बाद क्या होता है वो तो हमें दिखाई नहीं जाता, लेकिन उस लड़की के दर्द भरे चीखों से हम शायद अंदाजा लगा लेते हैं। ये सब कुछ काउंटेस टेरेस से देख रही थी और इंजॉय भी कर रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, एक सेटिस्फेक्शन था जिसका मतलब हम समझ नहीं पाते, लेकिन इतना जरूर गैस कर पाते हैं कि ये कोई सजा नहीं थी बल्कि किसी तरह का कोई एंटरटेनमेंट था, काउंटेस का कोई ब्रूटल गेम, एग्जैक्टली जैसे इस फिल्म के स्टार्टिंग में हमने देखा था। वो लड़की भी कभी इसी कासल में काम करती थी और किसी गरीब माँ बाप की बेटी थी वो, जो यहाँ आई थी पैसे कमाने, लेकिन बदले में उसे इस काउंटेस के पागलपन का शिकार होना पड़ा। वहां हमें जो दो औरतों की आवाजें सुनाई दी थी वो और कोई नहीं
खुद काउंटेस और एवा के ही तो थे। मतलब एवा भी कोई दूध की धुली नहीं है। काउंटेस के इन सिक गेम्स में इक्वली शामिल रहती है वो। अपने मर्जी से हो या प्रेशर में आकर वो तो नहीं पता, लेकिन उसने कभी काउंटेस को रोकने की कोशिश नहीं करी। मे बी उसमें हिम्मत नहीं हुई। वजह जो भी हो, अभी सवाल यह था कि क्या ये लोग मार्गेट के साथ भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, इसीलिए उसे यहाँ लाया गया है। इस सबसे अनजान मार्गेट इवा को अपना दोस्त मान चुकी थी, इसीलिए जब अगले दिन उसे उसके हाथ में वो घाव नजर आता है, वो इमीडिएटली उसके ट्रीटमेंट में लग जाती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है इवा के हाथ पर एक और घाव है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है। अब मार्गेट को इसका इलाज पता नहीं था, तो वो इवा से कहती है किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए। लेकिन इवा जानती थी काउंटेस अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए वो मना कर देती है। मगर मार्गेट भी काफ़ी ज़िद्दी थी, वो डिसाइड कर लेती है कि वो खुद ही काउंटेस से बात करेगी। साथ में वो एवा से ये भी पूछती है कि उसने नोटिस किया है यहाँ पर बहुत सारे मेट्स के शरीर पर कोई ना कोई घाव है, क्या वो सभी क्लम्सी है? ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसका कोई जवाब तो एवा के पास नहीं था, तो वो चुप ही रहती है। लेकिन मन ही मन उसके अंदर एक तूफान शुरू हो चुका था। एक तरफ उसकी सेंस ऑफ ड्यूटी थी, तो दूसरे तरफ था उसका कॉन्शियंस, जो लगातार उसे एहसास दिलाता जा रहा था कि वो मार्गेट के साथ गलत कर रही है। मार्गेट बाकियों जैसी नहीं है, बाकियों जैसी एंडिंग डिजर्व नहीं करती वो। मगर उसे ये भी पता था कि ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, उसे जो भी करना है बहुत ध्यान से करना होगा, लेकिन इतनी जल्दी करना होगा इसका उसे अंदाजा नहीं था। उसी दिन जब मार्गेट काउंटेस से बात करने जाती है, तो काउंटेस डॉक्टर बुलाने के लिए तो मान जाती है, मगर साथ ही साथ इवा से कहती है मार्गेट को रेडी करने के लिए। उसका टर्न आ चुका है। अब काउंटेस ने तो अपना फैसला सुना दिया था, जो इवा को पता था बदलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी लाइफ में पहली बार वो काउंटेस को समझाने की कोशिश करती है कि अभी भी उनके पास सप्लाई है। उन लोगों ने रिसेंटली 3 मेट्स का खून किया है, जिनके शरीर से सारे खून निकाल के स्टोर कर लिया गया है, तो इमीडिएटली मार्गेट को मारने की क्या जरूरत? लेकिन काउंटेस को कुछ भी सुनना नहीं था। इन लो बॉर्न मेट्स के खून से मन भर चुका था उनका, क्योंकि उनके मुताबिक उनके खून का इफेक्ट ज्यादा दिन स्टे नहीं करता, वो बहुत जल्द पेल दिखने लग जाती है। इसीलिए ही तो उसने एवा से कहा था किसी हाई बॉर्न लड़की को ढूंढने के लिए, जो उसने किया भी, तो अभी इंतजार किस बात का? एवा उन्हें ये कहकर डराने की कोशिश भी करती है कि मार्गेट अगर वापस नहीं गई तो उसके परिवार को शक हो जाएगा। वो नोबल फैमिली से है, उनके मेट्स की तरह पीसेंट फैमिली से नहीं, तो अगर उन लोगों ने सवाल उठाया तो बात बिगड़ सकती है। भले एवा की बातें अलार्मिंग थी, लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं होता। उल्टा काउंटेस उसे याद दिलाती है कि इस सब की शुरुआत भी उसी ने की थी, अब उसे अचानक क्या हो गया? हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है काउंट फेरेंस के मौत के बाद काउंटेस बहुत बीमार पड़ गई थी। वो इतना दुखी थी कि अपना ध्यान रखना भी भूल चुकी थी। वो डिप्रेशन में सुसाइडल हो चुकी थी, उनकी टाइमलेस ब्यूटी फेड होने लगी थी। ठीक ऐसे वक्त पर एवा आई उनका ध्यान रखने। उसने उन्हें संभाला, उसके हेल्थ का ध्यान रखा और फिर से एक नॉर्मल रूटीन में लौटने में उनकी मदद करी। इससे काउंटेस के हेल्थ तो धीरे धीरे रिकवर करने लगा, लेकिन उनका वो खोया हुआ रूप, वो ग्लैमर, वो और वापस नहीं आया, तो काउंटेस भी फिर से डिप्रेशन में जाने लगी। ऐसे में एक दिन उनके बाल कोम करते वक्त एवा ने गलती से उन्हें हर्ट कर दिया, तो काउंटेस भी बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में पागल होकर उसे कोम से मारने लगी। एवा को उसे इतना मारा कि उसके शरीर से खून निकलने लगे और उस खून के छींटे जाकर लगे काउंटेस के फेस पर। और काउंटेस जब उन्हें मिटाने की कोशिश करी, तभी एक अजीब रियलाइजेशन हिट किया उन्हें कि खून के उन छींटों से उनका ग्लो वापस आ रहा है, वो फिर से यंग दिख रही है। फिर और क्या, इसके बाद उन्हें फिर कभी दूसरा किसी सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। इवा उनके लिए खून सप्लाई करती गई और वो उन्हें एज हर स्किन केयर अप्लाई करती रही। देखते ही देखते बस कुछ ही दिनों में एलिजाबेथ पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी। लेकिन इससे एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एलिजाबेथ के मन में और खूबसूरत होने की लालच जाग उठी, जिससे वह पागलों की तरह यंग एंड प्योर लड़कियों का शिकार करने लगी, उन्हें मारकर उनके शरीर से सारे खून निकाल के अपने पास स्टोर करने लगी। साथ में उनका ये भी मानना था कि वो उन्हें जितना तर पाएगी, मरते वक्त वो लोग जितने दर्द में होंगे उतना ही उनका खून स्ट्रांग होगा और उनके लिए बेनिफिशियल होगा। इससे हुआ ये कि एलिजाबेथ उन्हें दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करने लगी। हर रोज नए नए तरीके ढूंढने लगी वो, जो धीरे धीरे एक पागलपन में कन्वर्ट हो गया। और इस सब के बीच इवा फंस गई।
ना चाहते हुए भी उसे काउंटेस का साथ देना पड़ा। उन इनोसेंट लड़कियों को अपने हाथों से टॉर्चर करना पड़ा। और आज जब उसने काउंटेस को रोकने की कोशिश करी तो बदले में उसे क्या मिला? एक थ्रेट कि अगर उसने मार्गेट को नहीं मारा तो उसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऐसे में क्या करेगी वो? इसी डर से तो इतने साल चुप रही। काउंटेस के लिए 600 से भी ज्यादा लड़कियों का खून किया, तो क्या अभी उसे मार्गेट को भी मारना पड़ेगा? इवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच रात में जब वो ग्राउंड से उस लड़की की लाश उठाने जाती है तो उसे रियलाइज होता है ये तो अभी भी जिंदा है। Coincidentally, इसी समय मार्गेट भी वहां जा पहुंचती है और उस सीवियरली वुंडेड लड़की को देखकर उसे हेल्प ऑफर करती है। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि आज रात एग्जैक्टली ऐसा ही हाल उसका भी होने वाला है, या मे बी इससे भी बदतर। इवा तब तो उसे झूठ कह देती है कि इस लड़की पर किसी वाइल्ड एनिमल ने हमला किया है, मगर मन ही मन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो मार्गेट के साथ ऐसा होने नहीं देगी। पहली बार किसी ने उसे दोस्त माना है तो उसे तो उसका सम्मान देना पड़ेगा ना। तो उसी रात वो अपने लाइफ की दो बहुत बड़ी रिस्क लेती है। एट फर्स्ट वो काउंटेस से छुपाकर उस वुंडेड लड़की को अपने कमरे में ले जाती है और किसी तरह उसके घाव का इलाज करती है, और उसके बाद इंतजार करने लगती है सबके सो जाने का। जब कासल में लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है तब वो चोरी छुपे मार्गेट के कमरे में जा पहुंचती है और उसे सारी सच्चाई बताकर कासल से बाहर ले जाने की कोशिश भी करती है, इस उम्मीद में कि अगर वो यहाँ से भागकर पुलिस को इन्फॉर्म कर पाई तो शायद इस कर्ज का अंत हो जाएगा। आफ्टरऑल वो एक नोबल वुमन है, पुलिस उसकी बात जरूर सुनेगी। लेकिन होता कुछ उल्टा ही। सब कुछ सुनकर मार्गेट ईवा से ही डरने लगती है, पागलों की तरह भटकने लगती है कैसल के अंदर। As the result, वो गलत दरवाजे को खोल देती है जिसके पीछे काउंटेस उसी का इंतजार कर रही थी। At the end, इवा ना उसे बचा पाती है ना खुद को। बहुत ही ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करके काउंटेस उन दोनों को ही जान ले लेती है, लेकिन खून तो उन्हें चाहिए था सिर्फ मार्गेट का। इवा का टॉर्चर तो बस एंटरटेनमेंट के लिए था। मगर जब वो मार्गेट के खून में नहाने में बिजी थी तभी उनके अनजाने में उनके कैसल में कुछ और भी हो रहा था। उस रात जिस लड़की को इवा ने रेस्क्यू किया था वो कैसल से भाग निकलती है और जो काम मार्गेट नहीं कर पाई उसे पूरा करती है। पुलिस के पास जाकर सब बता देती है वो, साथ में एलिजाबेथ की वो डायरी भी वो साथ लेकर गई थी जिसमें एलिजाबेथ अपने विक्टिम्स का नाम रिकॉर्ड करती थी। ऐसे रिजल्ट उनके क्राइम्स के बारे में दुनिया को पता चल जाता है और सजा के तौर पर उसे अपने ही कमरे में बंद कर दिया जाता है। बस एक छोटा सा सेक्शन खुला रह जाता है जिससे बस खाने का प्लेट ही अंदर घुस सकता था। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और आइसोलेशन में धीरे धीरे एलिजाबेथ की मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। फाइनली हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह खुद को ही हर्ट करके अपने शरीर से खून निकालने लगी थी और उस खून को अप्लाई करने लगी थी अपने चेहरे पर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ चुका था कि शायद उनकी मौत करीब है। बहुत जल्द उस दुनिया में जाके अपने हस्बैंड से मिलने वाली है वो, तो उनके लिए तो उसे प्रिपेयर होना होगा ना। मिस्टीरियसली इसके ठीक कुछ दिन बाद ही लोगों को उनकी लाश दिखती है कमरे में, लेकिन वो कैसे मरी आज तक किसी को नहीं पता। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद अभी तक गेस कर ही लिया होगा कि ये कहानी इतिहास के सबसे नोटोरियस फीमेल सीरियल किलर काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी के बारे में है, जिसे द ब्लड काउंटेस नाम से भी जाना जाता है। र्यूमर ये है कि वो बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस थी और अपनी खूबसूरती और जवानी बरकरार रखने के लिए वो यंग एंड वर्जिन लड़कियों का खून करती थी, उनके खून से नहाती थी। उनका मानना था इससे वो हमेशा यूथफुल रहेगी। इस पागलपन के चलते 1585 से लेकर 1610 तक उसने अपने ही कासल में ऑलमोस्ट 650 लड़कियों का खून किया था। फाइनली जब वो पकड़ा गई तब 300 से भी ज़्यादा विटनेस ने गवाही दी थी उनके खिलाफ, लेकिन जबकि उनका परिवार बहुत इन्फ्लुएंशियल था इसीलिए उन पर कोई चार्जेस नहीं लगे। बस उन्हें अपने ही कमरे में कैद कर दिया गया जहां 4 साल बाद बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में उनकी मौत हो गई। हैविंग सेड दैट, हमारे लिए इस कहानी के दूसरे पहलू को जानना भी बहुत ज़रूरी है, जहां कुछ हिस्टोरियन ने रिसेंटली दावा किया है कि ये सारे फॉल्स एक्यूजेशंस हैं जो एलिजाबेथ के खिलाफ रटाई गई थी ताकि उसे पावर से हटाया जा सके। एक्चुअली उनके हस्बैंड के मौत के बाद वो इतने सक्सेसफुली उनका कामकाज संभाल रही थी, ये कुछ पॉलिटिशियन को पसंद नहीं आया और उन लोगों ने साजिश रची। 300 लड़कियों को टॉर्चर करके उनसे फोर्सफुली झूठा स्टेटमेंट लिया गया और एलिजाबेथ को उनके थ्रोन से हटा दिया गया। अब इनमें से कौन सी कहानी सही है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उनके इस कहानी ने बाद में बहुत सारे फोकलोर को जन्म दिया और इस नेगेटिव पॉपुलरिटी के कारण
काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी का नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर बन गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कोई सच में इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।